तो गाइस सोनी के लेटिन वर्जन के एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमें देखने को मिला कि एक स्पाइडरमैन का ट्रेलर या फिर ट्रीजर के लो या कोई क्लिप के लो तो वो लॉन्च की गई और उसे तुरंत ही डिलीट कर दी गया। इसका मतलब हम कुछ अजीबो गरीब हिस्सा समझ सकते हैं, मतलब कि ऑडियंस को हिट करा जा रहा है, टारगेट करा जा रहा है, स्पाइडरमैन 3 की ऑडियंस ज़्यादा जोश में है उसके लिए। और ये जो ट्रेलर ट्रीजर था ये इतना भी खास नहीं था, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे लोगों के लिए डिटेल थी और कह सकते हैं कास्टिंग की डिटेल मालूम पड़ी है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी का वीडियो आज आपको वीडियो के बीच में हम दिखाएंगे। और मेरा नाम है फनशेक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फन मारोल। आज की वीडियो में हम स्पाइडरमैन 3 के जो लीक हुए ट्रेजर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रीजर था, इसे ट्रीजर ना कहा जाए या फिर कुछ भी कर ली क्लिप कर दीजिए तो कहे चलेगा। तो जो ट्रीजर है वो हमारे आपकी स्क्रीन के सामने चली जा रहा है। तो इस ट्रीजर के अंदर हमें मालूम पड़ा है कि ये जो पहले हमें टॉम हॉलैंड, टॉमी मैगवार्ड और एंड्रयू ग्राफिन, मतलब पहले सबके सब स्पाइडरमैन को मतलब एक साथ दिखाया गया, मतलब अलग अलग करके। और नहीं नहीं वीडियो क्लिप है, डिलीट है। तो इस ट्रीजर की शुरुआत होती है टोबी मैगवार्ड के स्पाइडरमैन को दिखाते हुए, जिसकी जर्नी बताई गई। उसके बाद दो हमारे एंड्रॉय ग्राफी आए थे, उनके स्पाइडरमैन की जर्नी बताई गई। और उसके बाद स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड जो हमारे स्पाइडरमैन अभी जो चल रहे हैं उनकी जर्नी बताई। और प्रेजेंट में मतलब अभी वही स्पाइडरमैन है वो बताया जा रहा है। और स्पाइडरमैन 3 में कुछ अलग होने वाला है, मतलब कि स्पाइडरमैन 3 में अगर वो जो ट्रीजर था, ये जो ट्रेलर या कोई भी क्लिप के लो, तो इसके अंदर यूँ सवाल पूछा गया, इसमें लेटिन भाषा मिल गई लेकिन मैं आपको समझा दूँ। तो इसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो तीनों स्पाइडरमैन, आप इन तीनों में से आपको कौन सा पसंद स्पाइडरमैन है। तो उसने कम फिर बाद में आ गया कि उसी का वही जवाब देता है वो ट्रेलर ट्रीजर, कि इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें जो ये सब मल्टीवर्स में देखने को मिलेगी और तीनों के तीन स्पाइडरमैन हमें एक साथ देखने को मिलेगी। मतलब कि इसका सीधा सा ये लोग डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं स्पाइडरमैन 3 की ओर, जिसमें हमें मल्टीवर्स देखने को मिलेगा और हमें टोबी मैगवार, टॉम हॉलैंड और एंड्रयू ग्राफिन, मतलब कि तीनों के तीन स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलेगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसे ट्रीजर को तरह ही डिलीट कर दिया गया, मतलब कि जो ऑडियंस के सामने हिट करने, मतलब कि उन लोगों को टारगेट करने के, ऑडियंस क्रिएट करने एकदम भारी उसके लिए, स्पाइडरमैन 3 के लिए एक ऑडियंस बड़ी हो जाए उसके लिए। लेकिन क्या बताया, पहले से ही ऑडियंस इतनी बड़ी हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो अभी तक इनकी कास्टिंग भी स्पाइडरमैन 3 के हमें बताई नहीं गई है, जिस तरीके से हॉकाई के अभी एक अलग जो कैरेक्टर्स चल रहा है, लेकिन उस समय कभी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे यार। तो लेकिन ये जो ट्रीजर था ये देखने के बाद इन तरह डिलीट कर दिया। और ये जो ट्रीजर जिसने लॉन्च किया था वो जिस तरीके से हमारा सोनी इंडिया, मार्वल इंडिया, नेटफ्लिक्स इंडिया सब होते हैं ना, तो उस तरीके से सोनी का एक लेटिन वर्जन था, तो उस पर ये ट्रेलर रिलीज किया गया और तरत ही डिलीट कर दिया गया। जिस तरीके जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो का रोल कन्फर्म होने के बाद उन्हों को एक तरफ से उनको डिलीट करवा देने का हुक्म हुआ था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो उसके तरीके से इसे भी डिलीट करवा दिया गया। अब ये सही में ये ट्रीजर फिक्स है। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन में हमें कुछ बड़ा पता चलने वाला है स्पाइडरमैन 3 का, शायद उसका नाम या कुछ तो रिलेटेड पता चलेगा, ऐसी न्यूज़ आ रही है। कितनी सच्चाई वो हम कल डिस्कस करेंगे, कि कल उसके ऊपर एक बार में वीडियो बना दूंगा अगर कुछ आता है तो, शायद ट्रेलर या ट्रीजर ही आ जाए या फिर नाम भी आ जाए। तो जो आवे वो अब हम सिर्फ देखने से मतलब है हमें, और स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड काफ़ी डिटेल लेने से मतलब है। जो आएगा वो तो हम देखेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। और अभी कुछ डिले चल रहा था, अब रेगुलर वीडियो आएंगे। अब मेरे तो देखना मत भूलिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, 200 सब्सक्राइबर पूरे नहीं कर रहे हो, कब से करो यार, लाइक करो, शेयर करो, वीडियो पसंद आए तो कुछ कमेंट करो, अगर कुछ नया फैक्ट हो डिटेल हो तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।